सुभाष जी, अरे भाई बहुत बधाई हो आपकी गाड़ी। सुभाष जी गाड़ी रिव्यू होने वाली है। 2-3 भाई ये हाईवे है ना, इधर से नीचे क्रैश हुआ है, वो देखो ट्रक, वो देख रहे हो ऊपर से गाड़ी ट्रक को बजी है। ओ भाई साहब गाइस, इसका थोड़े दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था, बहुत खतरनाक वाला, एंड इसका बहुत गंदा वाला क्रैश हुआ था। आप ये चेक कर लो आगे से डीसी अवंती की क्या हालत है, देख रहे हो, मतलब ये पूरी टोटल लॉस हो चुकी है फ्रंट से, ठीक है। नुकसान तो अच्छा खासा है इसमें, मेरे को लगता है 3-4 लाख का तो नुकसान है ही है। 7 से 8 लाख रुपए लग रहे हैं। 7 से 8 लाख रुपए, 8 लाख रुपए का गाइस, 8 लाख रुपए का खर्चा है। तो फाइनली गाइस अभी हम दिल्ली आ चुके हैं। तो गाइस अभी हम आए हुए हैं 9-11 ब्रेकफास्ट करने के लिए। यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे अपने सारे लोंडे, एंड गाइस यहाँ पे हमें एक सब्सक्राइबर भी मिला। हाय करो, क्या नाम है आपका? आदित्य नाम है। कौन कौन ब्लॉग देखते हैं दिल्ली में हमारे लोग? कितने लोग? ये मैं इनसे पूछ रहा था कि दिल्ली में कितने लोग हमारा ब्लॉग देखते हैं, तो ये कह रहे मेरे सारे फ्रेंड्स ब्लॉग वगैरह देखते हैं। तो गाइस अभी ऐसा सीन है, अभी हमने सरप्राइज ले लिया हुआ है, ठीक है, वो तो पहले ही लेके रखा हुआ था, पेमेंट वगैरह सारी क्लियर कर दी थी मैंने जम्मू से ही उसकी। तो गाइस अभी उसकी मॉडिफिकेशन का काम चल रहा है, तो गाइस उसको फुल मॉडिफाई करके कल नहीं तो परसों हम निकल जाएंगे जम्मू के लिए। पर गाइस अभी तक हमारे 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट नहीं हुए हैं। आप लोग 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स का मुझे ये नहीं समझ आ रही है, तो गाइस जल्दी से जाओ, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो। तो अभी ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से, देखते हैं आज का क्या प्लान है, जो भी होगा बहुत मजा आने वाला है आपको ब्लॉग में। मोटिवेशन है तगड़ी। सोच लो तूने इस बंदे ने चीज देखी हुई है, तुझे कैसी लगी? जिंदगी और मौत का सवाल चलेगी ना, आपको जाके। फाइनली गाइस अभी हमने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया, तो गाइस अभी हम निकल रहे हैं अपने सरप्राइज के पास। यहाँ गाइस यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे अंशु आ चुका है, एंड गाइस पीछे आ चुकी है थार, तो अभी हम थार में जाने वाले। इसको मॉडिफाई करवाया था इसने, क्या कर दिया? क्या खतरनाक है ये, इसमें भी बोल सकते हैं? बोल सकते हैं ना, इसको दबा के बोलते हैं ना, इसको ऑन करो, यहाँ से ज्यादा दबा के बोलो। कहाँ से? गाइस अभी तक हमारे 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट नहीं हुए हैं। गाइस मेरा जो बंदा हमें देख रहा है प्लीज, ओए ये क्या हुआ, गेट को बंद तो कर लो। गाइस सिर्फ 20,000 सब्सक्राइबर रहते हैं, प्लीज ऑल इन व्लॉग्स को सब्सक्राइब करें, जो जो लोग ये आवाज सुन रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब करो। तो गाइस चलो अभी निकलते हैं। फाइनली गाइस अभी हम आ चुके हैं बत्रा मोटर्स, एंड गाइस यहां पे चेक करो, मोस्ट डिमांडिंग एंड मोस्ट ब्यूटीफुल स्विफ्ट, देख रहे हो क्या खतरनाक लग रही है यार अपनी गाड़ी। करना शोर करना थोड़ा, सुन रहे हो गाइस एग्जॉस्ट, ये देखो बूथ डिकैस चेक करो यार। दानिक अगर मैंने भी कभी गाड़ी ली ना, मैं भी बिल्कुल ऐसे ही बनाऊंगा यार, फुल ब्लैक, जेट ब्लैक। ये देखो गाइस देख रहे हो जेट ब्लैक है ये। तो गाइस अभी गाने वाने लगाते हैं, ठीक है, यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे अपने लोंडे बैठ चुके। ओए भाई फोन ही गिर गया, लगाओ कुछ सिस्टम यार। गाइस गाने लग चुके हैं, आपको एक छोटी सी झलक दिखाने के लिए सरप्राइज की, तो चलो गाइस अभी चलते हैं। गाइस बालों को पता नहीं मेरे क्या हो गया, वो आधे इधर जा रहे हैं आधे इधर जा रहे हैं, आपकी समझ में नहीं है। शैम्पू में वो है ना, मैंने कंडीशनर तेरे लगा दिया, तो चलो गाइस अभी निकलते हैं। तो ओ भाई क्या बात है। तो फाइनली गाइस अभी हम जा रहे थे बाइक की डिलीवरी लेने के लिए, पर हम मैकडे आ गए हुए हैं, चेक कर रहे हो ये देखो। सो गाइस जो सरप्राइज की डिलीवरी है ना, वो अब हमें कल मिलेगी, कुछ रीजंस की वजह से आज हम डिलीवरी नहीं ले पाए, तो आज तो ब्लॉग नहीं बन पाए यार, तो कल ही ब्लॉग अच्छे से शूट करेंगे। एंड गाइस ये देख रहे हो क्या हो गया यार, पिंपल निकल गया हुआ है मुझे, तो नेल लगा देंगे। तो गाइस अब आपसे कल मिलते हैं, तब तक हम मील एंजॉय करते हैं। मैं मील दिखा लेता हूँ आप लोगों को, इसको ज्यादा कीड़ा हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया। एंड गाइस आज मेरे हेयर स्टाइल ने मुझे इतना ज्यादा परेशान किया ना, मैं क्या बताऊँ, ये देख रहे हो इसको क्या हो रहा है बालों में, कुछ समझ नहीं आ रही है, ज्यादा ही सिल्की हो गई है, बहुत मेरे कंडीशनर यूज किया है। बोलने दो भाई, ये लोग ब्लॉग ही नहीं बना रहे। तो कल किसकी डिलीवरी लेनी है अंशु? हमने दो चीजों की नहीं, सरप्राइज की डिलीवरी होने वाली है कल।
तो एक्साइटेड है, हंस क्यों रहा है? मेरा सरप्राइज थोड़ी आपका है। सो गाइस चलो अभी मील दिखाता हूँ आपको। तो गाइस ये रही हमारी मील, देख रहे हो आप, ये देखो ये रहा छपरी, एंड क्वालिटी चेक कर रहे हो गाइस, देख रहे हो कितना सुंदर लग रहा है ये, देख रहे हो। सो गाइस मील में हमारे पास क्या क्या, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले है ये चिकन विंग्स, इसको ओपन करते हैं। ये रहे हमारे चिकन विंग्स, ठीक है, एंड ये है चिकन बर्गर, एंड यहाँ पे ड्रिंक्स है। तुम लोग क्या खा रहे हो भाई? ये वेज खा रहे हो भाई? ये है फ्रेंच फ्राइज, एंड ये रैप्स हैं, पनीर रैप आई है। इसको पता नहीं है फ्रेंच फ्राइज ये पहले स्ट्राइक मारूंगा। तुम गरीब हो तभी चिकन खा रहे हो। अरे सॉरी वेज का। सो गाइस चलो मील वगैरह एंजॉय करते फिर मिलते हैं। The next day. So finally guys, अभी हम आ चुके हैं रोलिंग व्हील्स पे, एंड गाइज यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे लगी हुई है DC-1, एंड गाइज देख रहे हो आप DC-1 की क्या हालत हो गई है। गाइज इसका थोड़े दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था, बहुत खतरनाक वाला, एंड इसका बहुत गंदा वाला क्रैश हुआ था। आप ये चेक कर लो आगे से DC-1 की क्या हालत है, देख रहे हो, मतलब ये पूरी टोटल लॉस हो चुकी है फ्रंट से, ठीक है। ये बंदा गाड़ी में बैठा था, आप लोगों ने देखी होंगी वीडियोस वगैरह, ये बंदा गाड़ी में बैठा था, कैसा लगा भाई, कैसे हुआ क्रैश पहले ये बता। मेरे को फिर वो याद आ रहा है। क्रैश हुआ कैसे ये बता। अरे टायर फट गया था पीछे वाला, दिखा वो तो देखा नहीं हमने, फटता हुआ फटता हुआ दिखा नहीं हुआ, ऐसे झूठ मारता है ये। सो गाइस ये रही हमारी DC-1 ब्लू कलर की, लेफ्ट के टायर फटा था, पहले लेफ्ट के डिवाइडर पे लगी, हां फिर राइट में किया मैं घुसी, तुम्हें पता ही आगे से। गाइस ये इसका टायर वगैरह फट गया हुआ था, तो देख रहे हो ना अभी इसका काम लगा हुआ है, हाँ यहाँ से आपको पता चल जाएगा ये कौन सी गाड़ी, आगे से तो पता ही नहीं चल रहा है, इधर से चेक करो। तो अभी इसका काम लगा हुआ है, क्या क्या काम हो रहा है इसका, पूरी मैकेनिकल ठीक हो रही है और बॉडी। गाइस आगे से तो ये पूरी टोटल लॉस हो गई हुई है, ठीक है, बाकी और क्या क्या, इंजन का काम तो नहीं है, इंजन को भी सेफ है, पीछे से पूरी गाड़ी इंजन सेफ है ना, क्योंकि गाइस जिसका इंजन पीछे होता है, आगे तो मेरे ख्याल से डिक्की वगैरह होती है ना, तो आगे से बजी थी गाड़ी, पीछे से तो बजी नहीं थी, तो इंजन सेफ है। पहले इसका इंजन देखो यार, कितना ग्रैंड, देख रहे हो कितना बड़ा इंजन है इसका, ये चेक करो कितना खतरनाक है, कितने सीसी का टर्बो इंजन है गाइस, क्या खतरनाक है, यहाँ पे चेक करो। बाकी गाइस अभी देखते हैं इसको कितना टाइम लगने वाला है, मुझे लगता है महीना तो इसको कम से कम लगेगा, बिकॉज हालत बहुत ज्यादा खराब है यार गाड़ी की, मतलब इतनी प्यारी गाड़ी की ऐसी हालत हो जाए ना तो बहुत ज्यादा बुरा लगता है, पूरी गाड़ी उबड़ खाबड़ होगी हुई है, पर हो जाएगी ठीक, रेडी हो जाएगी। ये क्या हुआ है, ये देखो शीशा टूट गया, हाँ ये तो पूरा यहाँ से भी डैमेज हो गई, यहाँ से भी हो गई गाइस, ये आगे से ना पूरी डैमेज है, ये देख रहे हो ना यहाँ से भी टूटी हुई है, शीशा भी पूरा टूट गया, और शीशा देखो इसका कितना बड़ा है, पूरी टार्जन वाली कार लग रही है, टार्जन ही है, टार्जन द वंडर कार लग रही है पूरी। बाकी नुकसान तो अच्छा खासा है इसमें, मेरे को लगता है 3-4 लाख का तो नुकसान है ही है, 7-8 लाख रुपए लग रहे हैं, 7-8 लाख रुपए, 8 लाख रुपए का गाइस, 8 लाख रुपए का खर्चा, 2 लाख के अलॉय मंगवाए हैं इसमें गाइस, ये न्यू वाले अलॉय हैं, अलॉय वगैरह फट गए थे, टायर वगैरह सब फट गया था इसका, अच्छा ये नया वाला है, पुराना वाला मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो गाइस ये था पुराना वाला अलॉय, एंड ये रहा हमारा न्यू वाला अलॉय, देखो कितना खतरनाक लग रहा है, ये चेक करो कितना प्यारा लग रहा है अलॉय। अभी ये बोल रहा है गाइस इस पे 8 लाख रुपए का खर्चा है, ठीक है, 8 लाख बहुत ज्यादा होते हैं, 8 लाख में तो गाड़ी आ जाती है एक नई, पर 8 लाख रुपए का खर्चा है, हाँ अरे ये नहीं आती, मैं बोल रहा हूँ कोई भी गाड़ी आ जाती है 8 लाख में नहीं, आगे से लुक चेक करो गाइस, आगे से है ही नहीं, नीचे कुछ है ही नहीं यार, हैं स्पेशली मॉडिफाइड, चलो कोई चक्कर नहीं, बाकी हो जाएगी ठीक, ये रहे अपने मानव भाई, तो अभी देखते हैं आगे का क्या सीन है, फिर मिलता हूँ आप लोगों से। हाँ तीनों पत्थर उड़ा के फेंक दिए थे इसने दूर, खतरनाक है, बिल्ड क्वालिटी तगड़ी है ना, तीनों पत्थर नीचे फेंके, तो बेहोश हो गया था ना जब एक्सीडेंट हुआ था गाइस, ये बेहोश हो गया हुआ था। और एक अवंती की मुझे बुरी चीज पता क्या लगती है कि गाइस इसमें ना कोई भी बैग वगैरह नहीं है, सेफ्टी बिल्कुल भी नहीं है अंदर से इसकी, सेफ्टी थी इसके साथ, बाउंसर बैठा हुआ था, खुलता ही है, रुको गाइस आपको अंदर से दिखाता हूँ, अंदर से क्या हालत है भाई, देख रहे हो डर लग जाएगा अंदर से गाड़ी को देखोगे तो, देख रहे हो बहुत बुरी हालत है, इसमें बैठ भी नहीं सकते अभी ना, ये स्टार्ट हो सकती है, तो चलो यार मिलते हैं फिर आप लोगों से। तो गाइस ये रहे अपने भैया ओनर हैं जो रोली मिल्स के, कैसे हो भैया, ठीक हो, क्या चल रहा है, अभी हम भी फ्यूचर में कोई गाड़ी वाड़ी लेंगे तो यहाँ से ही सर्विस करवाने वाले हैं। अभी अवंती का आप काम कर रहे हो, कितने देर में तैयार हो जाएगी? 15 डेज, मतलब 15 डेज में हो जाएगी तैयार। कितने लाख खर्चा आएगा? 6-7 लाख खर्चा आएगा ही आएगा, वही मतलब 8 लाख तक तो चला ही जाएगा। तो गाइस ऐसा सीन है अभी, तो देखते फिर आगे का क्या सीन होता है, तो मिलते हैं आप लोगों से। A few moments later. अब अभी यहाँ पे एक्सीडेंट, गाड़ी यहाँ से नीचे गई है गाइस, अभी हम पुल के ऊपर हैं, देख रहे हो ये पुल है, इधर से नीचे गिरी है गाड़ी गाइस। ओ भाई साहब, भाई यहाँ से नीचे गई है, ओ देख रहे हो ट्रक उल्टा हुआ है, ओ भाई साहब, भाई इधर से नीचे कैसे गया यार ये, वो देख रहे हो, ओ भाई साहब,
गाइस ये हाईवे है ना, इधर से नीचे क्रैश हुआ है, वो देखो ट्रक, वो देख रहे हो ट्रक उठा है, ऊपर से गाड़ी ट्रक को बजी है, ट्रक इधर से नीचे गिरेगा तो ये टूटेगा नहीं क्या? नहीं गाड़ी बजी ट्रक को हैं। ओ भाई साहब कितना ट्रैफिक हो गया पीछे देख रहे हो, बच गया शायद बंदा यार, बच गया, बच गया, देखना भाई ट्रक इकट्ठा, भैया बंदा ठीक है? हाँ बंदा ठीक है, बंदा ठीक है, यहाँ से कैसे गिर सकता है यार? बंदा यहाँ से नहीं गिरा, वो नीचे गाड़ी चला रहा था, उसने इमरजेंसी ब्रेक मारी। अच्छा टक्कर हुई थी। अच्छा नीचे से गिरा है ना, नीचे गिरा है, मुझे लगा यहाँ से नीचे गिर गया भाई, ऐसे नहीं गिरा ना। गाइस बहुत गंदा एक्सीडेंट हुआ है, देख रहे हो यार पूरा ट्रैफिक जाम हो गया, वो पीछे तक देखो, और पीछे तक ट्रैफिक जाम है भाई, हम तो डर गए यार, देख रहे हो इधर सारे बंदे रुके हुए हैं, सारे बंदे रुके हुए हैं, चलो निकलते हैं। हेलो, वो देखो सब्सक्राइबर भी मिल गया हमें, रुको रुको आ रहा हूँ। हेलो, क्या नाम है मेरा? आलियन व्लॉग देखते हो? चलो ठीक है। हेलो मैम, कैसे हो आप? ठीक हो? ओके बाय बाय। गाइस यहाँ पे सब्सक्राइबर भी मिल रहे हैं हमें, तो चलो अभी निकलते हैं यहाँ से। सुभाष जी रही भाई, आपकी गाड़ी रिव्यू होने वाली है। 2 3